देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। आज आवाज इंडिया न्यूज की टीम ने जयपुर शहर के MBBS डॉक्टर हनुमान सहाय शर्मा से की मुलाकात और जाना उनकी जिंदगी के बारे में। इतने सरल स्वभाव इंसान के बारे में जानने पर आज आवाज इंडिया न्यूज की टीम ने उनसे बातचीत की। इस कोरोना काल के अंदर सिर्फ लोगों का मेडिसिन देकर इलाज कर रहे हैं, कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको डॉक्टर हनुमान साय शर्मा से बातचीत के कुछ मुख्य अंश। मुलाकात करवाता हूँ डॉक्टर हनुमान साय शर्मा से। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे? बिल्कुल बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कुछ अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम है डॉक्टर हनुमान साय शर्मा और मैं MBBS हूँ और मैंने MBBS महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से पास आउट किया है 2018 में। तो मैं 3 साल से यहाँ प्योर हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था, मंत्रोज एसर सराया करें। अभी एक प्रजेंट में तिलक हॉस्पिटल जो आगरा रोड पर है वहाँ सर्विस कर रहा हूँ और ये मेरी खुद की क्लिनिक है। तो यहाँ मैं पार्ट टाइम, मतलब जैसे टाइम मिलता है फ्री टाइम में यहाँ सर्विस देता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब आपने जो मेडिकल प्रोफेशन चुना है आपने, ये मतलब आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखो हमारे गाँव में कोई भी डॉक्टर नहीं था तो मेरे जीजाजी ने बोला कि एक बार ट्राई कर लो। तो मैंने 3 साल से इसकी PMT की थी कोटा से, 2 साल में मेरा हुआ नहीं था। फिर भी साथ वालों ने बोला, रिलेटिव ने बोला कि BDS ज्वाइन कर लें। तो मैंने बोला कि नहीं करना है तो MBBS ही करना, नहीं तो नहीं करना। इस हिसाब से घर वालों ने कैसे जैसे मेरे को सपोर्ट करके कोटा वापस भेजा। तो मैं वहाँ से मैंने RPMT गेन की, उसके बाद मेरे को महात्मा गांधी में सिलेक्शन। तो डॉक्टर साहब पर डे आप कितने पेशेंट देख लेते हैं? देखो मैं यहाँ पर तो पर डे कम से कम 40-50 पेशेंट देख लेता हूँ। हॉस्पिटल में कम से कम हॉस्पिटल में रहता 70-80 पेशेंट होगा। अभी किस हॉस्पिटल में वर्किंग है? मैं आऊँ तिलक हॉस्पिटल है आगरा रोड पर, हॉस्पिटल मान के पास। और उससे पहले किस हॉस्पिटल में थे? उससे पहले मैं था यहाँ प्योरवेल हॉस्पिटल है अग्रवाल पारा मानसरो। तो डॉक्टर साहब आपका हॉस्पिटल में देखने का टाइमिंग क्या है और यहाँ पे क्लिनिक में देखने का टाइमिंग क्या है? मेरा हॉस्पिटल का टाइमिंग है सर 10 से 3। और क्लिनिक पे? क्लिनिक को मैं सुबह 7 बजे आ जाता हूँ, 7 से 9:30 आ जाता हूँ, आधे घंटा मेरे को जाने में लगता है, फिर बाद में शाम को 9 बजे तक क्लिनिक आता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आप जब इस पैंडिक टाइम के अंदर लोगों का इलाज करें तो कोरोना पेशेंट भी आपके पास आए होंगे? बिल्कुल सर, बहुत सारे आए हैं। उनको क्या लगा है उनका, उनको देख के मतलब कैसा ट्रीटमेंट रहा है उनका? देखो मैं उनको देख के सबसे पहले उनको सांत्वना देनी पड़ती है उनको, क्योंकि पैनिक कंडीशन ना क्रिएट करें। उनको आराम से उनको समझाना पड़ता है कि कोरोना है नहीं, पर इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। इस हिसाब से उनको देख के CT की रिपोर्ट देख के उनको कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आइसोलेशन की जरूरत है, ये ट्रीटमेंट हो पर्याप्त आपके लिए। जब तक ज़्यादा सीरियस हो तो उसमें आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब अभी उसे कोरोना काल के अंदर जस्ट कोरोना संक्रमित लोगों को ब्लैक फंगस जैसी बीमारी भी हो रही है, तो उसके भी केसेस आए आपके पास? नहीं सर अभी उसका केस नहीं है, हॉस्पिटल में जरूर मेरे पास आए हैं पर यहाँ पर नहीं आए। तो उनका कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट कर रहे हैं? सर उनका सजेस्ट ये है कि कोविड के पेशेंट में डायबिटीज को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और जो स्टीरॉयड चल रही है इस मेडिसिन में उस स्टीरॉयड को आपको कम करना पड़ेगा, उसका बचाव यही है। जी डॉक्टर साहब क्या फीस चार्ज करते हैं आप हॉस्पिटल के अंदर और यहाँ क्लिनिक पर? सर वहाँ तो 200 है, वहाँ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, फीस यहाँ कुछ नहीं लेगा, ओनली मेडिसिन। आप यहाँ पे कोई फीस नहीं लेते हैं? बहुत ही कमाल की बात है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज पूछना चाह रहा था कि इस कोविड टाइम के अंदर जो लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है, वो आपके पास हॉस्पिटल भी आते हैं लेकिन उनको ट्रीटमेंट चाहिए लेकिन उनके पास पैसों की कमी है, तो उनके लिए आपने क्या प्रोटोकॉल बनाया है? सर वहाँ तो हॉस्पिटल का एक प्रोटोकॉल है, वहाँ तो मैं केवल अपनी फीस को उनको माफ कर सकता हूँ। कभी कभी ये ज्यादा पेशेंट लगता है कि जैसे लेबर क्लास है, अपने तरफ से उनका इलाज करता हूँ मैं, उनको मेडिकल का अपनी तरफ से डिस्काउंट करवा के अपने पैसे देता हूँ। यहाँ मेरे काफ़ी पेशेंट जहाँ लेबर हैं क्योंकि यहाँ लेबर काफ़ी जा चुकी है, उसके बाद जो बचे हुए हैं उनका फ्री में इलाज करूँ। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया। तो डॉक्टर साहब आप आवाज इंडिया न्यूज के माध्यम से कुछ जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है कोरोना काल का, इसमें आप जितना किसी के लिए इंसानियत के नाते किसी के लिए कर सकते हो उतना करिए। कमाई का पीरियड नहीं है, कई लोगों ने इसको कमाई का पीरियड बना रखा है, मेरा ऐसा कुछ भी मानना नहीं है। मैं तो लोगों को घर जाके उसका फ्री में इलाज करता हूँ, जब उनको लगता है कि 100 ले लो डॉक्टर साहब, 200 में वो अपनी इच्छा से दे देते, बाकी लोग घर जाके उनकी ये नहीं कि वो जैसे खुद अपने माता पिता को टच नहीं करते, पर मैं जानता है ऐसा कुछ नहीं है। पैनिक कंडीशन करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप सेफ रहो, घर में रहो, सेफ रहो। जी
तो सुना दोस्तों आपने, एक डॉक्टर साहब ने कह दिया कि प्लीज अगर आप इस महामारी से बचना चाहते हैं, कोरोना से या ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं, तो सैनिटाइजर का उपयोग करते रहिए, मास्क लगाकर रखिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए और अपने घरों के अंदर रहिए। जितना जरूरी, जितना ज्यादा जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकले, वरना प्लीज आप घर पे रहें और अपनी सुरक्षा बनाए रखें। देखते रहिए आवाज इंडिया न्यूज, मैं राहुल कैमरामैन राजेश के साथ।